Hello everybody, welcome to Himachal Wire. Don't forget to subscribe our channel and also do hit the bell icon. Channel subscribe bhi kar dijiye aur bell icon ko bhi hit kar dijiye. Isse aap hamari latest videos se updated rahenge. Notification aa jayegi aapko. Book review Scandal Point ka. Scandal Point jise Manju Jayed ka ne likha hai. जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा एक गलत किताब उठा ली मैंने। गलत किताब इसलिए क्योंकि कहानी करतार सिंह से शुरू हुई। करतार सिंह कौन है, वो क्यों लाहौर में परेशान है, क्यों लाहौर से पटियाला आ रहा है। मुझे लगा स्कैंडल पॉइंट नाम है यार, स्कैंडल पॉइंट के बारे में जानना चाहिए मुझे इस किताब से, वो तो कुछ बता नहीं रही है। But what a well-written book Manju Jayed का। ये स्कैंडल पॉइंट की कहानी अलग नहीं है। जो भी लोग शिमला से हैं, शिमला जाना चाहते हैं, शिमला गए हैं, वो सभी जानते हैं कि स्कैंडल पॉइंट पे किसी पटियाला के राजा ने एक ब्रिटिश वायसरॉय की डॉटर को उठा लिया था, किडनैप, स्कैंडल पॉइंट। लेकिन आज से मैं, क्योंकि ये किताब पढ़ चुकी हूँ, इसलिए स्कैंडल पॉइंट को लवर्स पॉइंट बोलूँगी। उसमें तीन खास किरदार हैं, ब्रिटिशर्स, उस वक्त के ब्रिटिश वायसरॉय की डॉटर बेट्रिक्स बेटी, पटियाला के महाराजा राजेंद्र सिंह राजन, चायल, शिमला और पटियाला। जो हम लोगों ने सुना है, ऐसा नहीं हुआ था कि पटियाला के महाराजा को एक दिन अचानक एक ब्रिटिश वायसरॉय की डॉटर पसंद आ गई और उन्होंने उसे मॉल पे से उठा लिया। मंजू जायद का ने इस किताब में लिखा है कि बेटी को राजेंद्र सिंह महाराज पटियाला के बहुत पहले से जानते थे, बहुत सारी पार्टीज में उन्हें देखा हुआ था, बेटी का झुकाव उनकी तरफ था, उन्हें वो पसंद आ गए थे, वो जानती थी कि वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन महाराजा राजेंद्र सिंह का प्यार ही बेटी बेट्रिक्स का विश्वास था। तो होता यूं है कि राजेंद्र सिंह पटियाला से अपने घोड़े पे वाइस रीगल हॉल एडवांस स्टडीज जिसे हम जानते हैं, वहां पर एक पार्टी अटेंड करने आते हैं। इस पार्टी में सभी लोग हैं, पर राजेंद्र सिंह के मन में, क्योंकि वो बेटी को पहले देख चुके हैं, उनकी नीली आंखें, खूबसूरत गुलाबी चेहरा बस गया है। His heart is throbbing for her. उससे ही मिलना चाहते हैं। उस शाम को उस पार्टी में राजेंद्र सिंह बेटी के साथ डांस करते हैं, उसे अपने साथ बाहर आने के लिए कहते हैं, जो बेटी मानती है और रात भर एक बेंच पर बैठकर सितारों को देखती है। राजेंद्र सिंह की पगड़ी पे लगा हुआ खूबसूरत रूबी जो रात को चमक रहा है, बेटी को वो बहुत पसंद आता है और वो राजेंद्र सिंह को उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करती है। ये रूबी राजेंद्र सिंह का बेटी को पहला गिफ्ट था। ऐसे बहुत सारे बहुत महंगे गिफ्ट्स बेटी को बाद में मिले, लेकिन ये उसके लिए खास था, जो आखिरी समय तक उसके साथ रहा। राजेंद्र सिंह दूसरे दिन बेटी को रिज पर आने के लिए कहते हैं, जहाँ से वो प्लान बनाते हैं कि वो उसे पटियाला ले जाएंगे। बेटी उसके लिए हामी भरती है। तो ये जिसे आप स्कैंडल पॉइंट के नाम से जानते हैं और मैं लवर्स पॉइंट अब कह रही हूँ, वो वहां पर एक्चुअली कोई स्कैंडल हुआ ही नहीं था, दोनों की रजामंदी थी, दे इलोप्ड, वो साथ गए थे। दूसरे दिन राजेंद्र सिंह वहां पर दोपहर तक बेटी का इंतजार करते हैं, बेटी का कहीं अता पता नहीं है। फिर अचानक एक ब्रिटिशर्स की बग्गी आती है जिसमें तीन ब्रिटिश लड़कियां हैं और वो चर्च जाती हैं। राजेंद्र सिंह को लगता है कि बेटी नहीं आई और अब पटियाला जाने के लिए बहुत देर हो गई है। जैसे ही वो वहां से निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि बेटी अपना चेहरा ढके हुए, हैट पहने हुए, अपनी दोनों बाहें उठाए हुए राजेंद्र सिंह का नाम पुकारते हुए उनकी तरफ भाग रही है। फिर क्या था, राजेंद्र सिंह ने उन्हें अपने घोड़े पे उठाया और पटियाला की तरफ निकल गए। पहला पड़ाव उनका कंडा घाट में था, फिर शाम को पटियाला ही रुके।
खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि एक्चुअली हुआ क्या है। बहुत अंदाजे लगे, सोच विचार हुआ, कहानियां बनी, सोचा कि ये पटियाला के महाराज राजेंद्र सिंह का ही काम है। और ये बात होने लगी कि वो वाइसरॉय की बेटी को उठा कर ले गए हैं। उन दिनों टेलीफोन नहीं होते थे, ना मेल्स होती थी, तो एक्चुअली बात हुई क्या है ये जानने के लिए वाइसरॉय को बहुत वक्त लगा। इतना वक्त लग गया कि बेटी तब तक पटियाला के महल में पटियालवी सूट सलवार पहनने लगी थी, पंजाबी सीख गई थी और उन्हें एक संतान भी होने वाली थी। इस किताब की कहानी के अकॉर्डिंग बेटी महाराज राजेंद्र सिंह की छोटी महारानी बनी। उनका नाम बदल के हरनाम कौर रख दिया गया। बेटी इस साथ से, इस शादी से बहुत बहुत खुश थी। वाइसरॉय ने बहुत कोशिश करी कि वो बेटी को अपने साथ ले जाएं। बेटी उनके साथ वापस चल पड़े, लेकिन बेटी इसके लिए तैयार नहीं थी और ना ही महाराज राजेंद्र सिंह। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ, श्री रिचर्ड राम रहीम उसका नाम रखा गया। इस कहानी में इतना प्यार है, इतना विश्वास है। हालांकि पटियाला के महाराज का जब भी जिक्र आता है और जिस भी जेनरेशन का जिक्र आता है, बहुत सारी औरतों के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कुछ साल ये दोनों साथ में बिता पाए उसमें महाराज राजेंद्र सिंह के लिए सिर्फ बेटी थी। मैं कहूंगी कि सिर्फ वो साल ही नहीं, उसके बाद भी जो दिमाग पे हावी रहा वो बेटी का नाम ही रहा। बहुत ही प्यार मोहब्बत की कहानी है, लेकिन पॉलिटिक्स इस पे भारी पड़ गई। राजनीति में रिश्तों की कैलकुलेशन होती है, कौन किसके लिए सही रहेगा ये उसकी ज़रूरत से मापा जाता है। एहसासों का राजनीति में कोई स्थान नहीं, वही बेटी और महाराज राजेंद्र सिंह के साथ भी हुआ। खैर ये आप किताब में पढ़िएगा, जब महाराज राजेंद्र सिंह बेटी को पटियाला ले आए तो उन्हें पता था कि अब शिमला जाना मुश्किल होगा। वाइसरॉय जब पहली बार महाराज राजेंद्र सिंह से मिलने आए और उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी बेटी को जबरन पटियाला ले आया गया है और वो बहुत दुखी होंगी, वो बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर बात अलग थी। बेटी बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। तो वाइसरॉय ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन जाते हुए महाराज राजेंद्र सिंह को बोल गए कि अब आपका शिमला आना मुश्किल होगा। महाराज राजेंद्र सिंह ने वही उसी वक्त उन्हें न्योता दिया था कि अगले साल आप मेरे पैलेस चायल में जरूर आना और दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच पर मेरे साथ क्रिकेट भी खेलिएगा। तो ये महल, ये ग्राउंड उस वक्त बेटी के लिए महाराज राजेंद्र सिंह ने बनाना तय कर लिया था और ये रिकॉर्ड टाइम में बना। तकरीबन एक साल में इसको बनाना पूरा कर दिया गया था। अगली गर्मियां उन्होंने चायल में बिताई। वो जानते थे कि मेरी छोटी महारानी बहुत नाजुक है, पटियाला की गर्मी उनसे सहन नहीं होगी, इसलिए चायल का महल बना। हीर रांझा, लैला मजनू और आज लवर्स की लिस्ट में मैं बेटी और महाराज राजेंद्र सिंह का नाम ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल डिजर्व करते हैं। क्यों? आपको ये बुक पढ़नी ही होगी उसके लिए। महाराज राजेंद्र सिंह की पहली पत्नी नाभा से थी बड़ी महारानी। जब से उनकी जिंदगी में बेटी आ गई थी, गर्म हवाएं नाभा से पटियाला की तरफ भी चल रही थी बेहद तेज। इट इज अ सैड एंडिंग ऑफ अ लव स्टोरी, इट डज ब्रेक माई हार्ट, बट पॉलिटिक्स, यू नो, पॉलिटिक्स कभी इमोशंस को पनपने ही नहीं देती। तो सारी कैलकुलेशंस हुई, छोटी महारानी जो चायल में अपने बेटे के साथ और महाराज के साथ बहुत खुश थी, कुछ ऐसा बुरा हुआ कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपने बेटे और महाराज को छोड़कर उन्हें वापस लंदन जाना पड़ा। बेटे को कभी पासपोर्ट ना बनाने की शर्त रखी गई, बेटे को बाप से भी अलग होना पड़ा, सब कुछ बिखर गया। चायल का पैलेस जो हंसने और बसने वाली जगह थी वो उजड़ गया। एक ऐसा मौका था जब राजा राजेंद्र सिंह चाहते थे कि ये पैलेस वो अपने कजन को बेच दे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये परमिशन नहीं दी। उनका इतना मन उठ गया था इस जगह से। खैर, स्कैंडल पॉइंट, जिसे मैं लवर्स पॉइंट बोल रही हूँ, उसके किरदार आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका परिवार आज भी है।
बेटी की फैमिली राजा राजेंद्र सिंह की फैमिली, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे। मंजू जायदगा ने स्कैंडल पॉइंट की स्पेलिंग में हर एक अल्फाबेट को आराम से स्पेल आउट किया है इस बुक में। ये बुक 295 की है, अमेजोन पे अवेलेबल है। लिख दीजिए मेल नहीं लेनी तो। एज ऑलवेज यू विल रिसीव द बुक्स एंड एज ऑलवेज आई नो दैट यू विल रिटर्न द बुक ऑन टाइम। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब हिमाचल वायर एंड ऑल्सो कॉमेंट वॉट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द वीडियो। Thank you for watching Himachal Wire. Until next time, thank you.